हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ नई प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि सबको पता है मेरे चैनल में बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करता हूं, वैसे मैं आज एक नई प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने आई हूं, जो कि एक हेयर ऑयल के ऊपर है। ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, रियल वर्ल्ड पर ही आऊंगी, क्योंकि हेयर ऑयल का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ जो कि काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। और उसका दो बोतल का कॉम्बो मैंने खरीदा था, और ये सेकेंड बोतल है जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ। तो पहले एक बोतल में खत्म कर चुकी हूँ, उसके बाद ये सेकेंड बोतल है। पहले बोतल में मैं उसका रिव्यू शेयर करना चाहती थी आपको, फिर मैं सोची खत्म होने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट होने के बाद, जैसे उसके बाद ये हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करते हैं। तो आज मैं सेकेंड बोतल दिखाऊंगी, तो ज्यादा बात ना करते हुए पॉड पे आएंगे। तो आज का प्रोडक्ट, तो गाइस जो आज का जो प्रोडक्ट है वो है बजाज आंवला आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, जो कि बजाज आंवला हेयर ऑयल। तो बजाज बहुत पुराना कंपनी का है, और ये हेयर ऑयल की आंवला हेयर ऑयल गाइस आप सबको पता है आंवला हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो ये वो ही है, उसमें मिनरल हुआ है, उसमें सेरेमा है। तो गाइस, और गाइस ये 400 मिलीग्राम का है, और मुझे आई थिंक मुझे 200 में मिला है, जो कि मैं ऑनलाइन खरीदी हूँ, और कभी कभी डिस्काउंट में भी आपको सस्ते में भी मिल सकता है। तो 200 है, और उसके 4 मिलीग्राम का नेट वर्थ है, नेट वॉल्यूम है। और गैस हेयर ऑयल इतना बहुत लंबा है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल 400 मिलीग्राम का मिला है, मतलब आपको आराम से 2-3 महीने के हो जाएगा। तो ये मेरा मैंने कॉम्बो में खरीदा था, तो एक एज कर चुका हूँ, सेकेंड बोतल है जो कि मैं एज कर रही हूँ अभी। तो गैस उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है मैं अभी बता देती हूँ, और हेयर क्या करता है। तो गैस इसमें हेयर ऑयल जो मिला हुआ है इसमें हेयर ऑयल, तो इसमें आयुर्वेदिक केस तेल है, तो ये है बजाज आंवला आयुर्वेदिक केश तेल। बजाज विद इज 65 ईयर ऑफ रिच एक्सपीरियंस ब्रिंग ए हेयर ऑयल विद ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्राह्मी एंड आंवला। तो गाइस इसमें ब्राह्मी आंवला मिला हुआ है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ, अगर हेयर ग्रोथ हेयर के लिए अगर हेयर ग्रोथ चाहते हो ना, तो ब्राह्मी आंवला इसमें मिला हुआ है, तो परफेक्ट है, जो जिसका हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए तो बहुत परफेक्ट है। तो आंवला इज नोन टू स्ट्रेंथन हेयर स्ट्रेटन स्ट्रेटन हेयर टू हेल्प इम्प्रूव बॉडी सर्कुलेशन और रिड्यूस हेयर फॉल। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट है, उससे हेयर फॉल और ये होता है। तो गाइस इतना है, और गाइस ब्राह्मी आंवला है, काफी ब्राह्मी आंवला है मेन इंग्रेडिएंट, तो उसका ब्राह्मी आंवला है। और अगर आप हेयर ऑयल यूज करें तो ये वाला हेयर ऑयल आप यूज कर सकते हो, जिसके बाद हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं, जो कि अपने बालों को हेयर फॉल से बचाना चाहते हैं, तो ये वाला वो हेयर ऑयल आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी से मैं 2 महीने यूज कर चुकी हूँ, मुझे पता है हेयर ऑयल अच्छा काम करता है, और स्किन में स्मेल मुझे तो अच्छी लगती है, तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो गाइस ये ग्रीन कलर का है, मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ, और थोड़ा सा इसकी स्मेल ना, मतलब इतना मन करता है बार बार ये करने के लिए, इतना स्मेल आज जब लगाते हो ना होता है, ये चिचिबा नहीं है, चिचिबा बिल्कुल भी ये नहीं है, अच्छा है। और गाइस इसकी स्मेल अब बालों में हेयर पे लगाओगे, स्मेल लगाओगे ना, इतना अच्छा स्मेल करता है, क्योंकि मुझे ये वाला हेयर करने के बाद मुझे अच्छा स्मेल करता है, तो मैं थोड़ा सा लगाइए थोड़ा सा इसे लगाती हूँ बल्कि मैं डेमन दे लूँ। तो गाइस मैं कैसे लगाती हूँ ये हेयर ऑयल, तो गाइस मैं हफ्ते में 3 बार हेयर ऑयल करती हूँ, और आज लगा देती हूँ, कल हेयर वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो मैं 2 दिन रखती हूँ उसके बाद हेयर ऑयल कर दी हेयर वॉश कर देती हूँ। और इसे मैं रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 3 बार लगाती हूँ, और ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगाती हूँ, अभी मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा जस्ट ऐसे आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ, दिखा देने के लिए, डेमो देने के लिए ऐसे लगा दी, पर मैं अच्छे से स्कैल्प पे घर पर लगकर पूरा करके पूरा क्या बोलते पूरा हेयर ऑयल करती हूँ, अच्छे से क्या बोलते हैं थोड़ा सा मसाज करके लगाती हूँ, अगर मसाज करके लगाती हूँ, और मैं रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ। अगर जो लोग को हेयर फॉल से परेशान है, उनको हेयर ग्रोथ करना है, ये सिर्फ हेयर ऑयल करने से हेयर ग्रोथ नहीं हो जाएगा, आपको तो प्रॉपर थोड़ा डाइट फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज करो अपने हेयर के लिए, थोड़ा सा देख के हर चीज में केमिकल होते हैं, कोशिश करो केमिकल प्रोडक्ट यूज ना करें। स्ट्रेटनिंग वो वाला कॉलीफ्लावर जो हीट प्रोटेक्ट हीट वाला जो हेयर एसेसरी है उसको यूज ना करें अपने बालों पे जितना हो सके, और हेयर ड्रायर भी यूज ना करें। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं हेयर
ट्राई करने के लिए हेयर ऑयल यूज करते हैं मत कीजिए। नॉर्मल सन में आप एक्सपोजर में आप उसको अपना हेयर को ड्राई कीजिए, क्योंकि बस केमिकल के बाद हेयर डैमेज हो जरूर होंगे। तो अगर हेयर डैमेज हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आयरन यूज करने के लिए ट्राई करने के लिए, तो ये बार डेफिनेटली हेयर ऑयल ट्राई जरूर कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, मैं 2 महीने से यूज कर रही हूँ, मुझे पता है अच्छा हुआ है। और गाइस स्मेल इतनी अच्छी है कि मत पूछो, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है आपको पूरा बाल हेयर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं स्मेल बहुत ज्यादा करेगा। और इसकी स्मेल मुझे उसका जो प्रोस्पेंट मुझे लगता है उसका हेयर क्या बोलते हैं हेयर ऑयल का स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली आप ये हेयर ऑयल ट्राई कर सकते। और ज्यादा कुछ नहीं है जो बोले कि ये करते हैं वो, तो मैं नहीं बोलूँगी अच्छा हेयर ऑयल है अगर आप बालों के हेयर, इसमें मेन ब्राह्मी और आंवला है जो कि आपके हेयर ग्रोथ के जरूर हेल्प करेगी, हेयर ग्रोथ के हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली आप ये वाला हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हो, आपको बेनिफिट जरूर देगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आप ये वाला हेयर ऑयल ट्राई करो। थोड़ा सा अच्छा डाइट फॉलो करो, अच्छा हेयर कलर का रूटीन फॉलो करो, उसके बाद अगर आप हेयर कलर में अच्छा सा शैम्पू का अच्छा सा कंडीशनर यूज कर रहे हो तो एक अच्छा सा हेयर ऑयल फॉलो करो। आप ये वाला हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हो, जिसको चाहिए डिसी बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं, आप जाके उन लिंक के थ्रू मेरा ये वाला प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये था आज के हिसाब से, जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं होगा उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। तो गाइस जब भी आप हेयर ऑयल करो, हेयर ऑयल वाला प्रोडक्ट यूज करते हो ना, कोशिश करो एक दो यूज करके, एक सिर्फ यूज करने से आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट बेनिफिट दिखेगा कि नहीं दिखा मैं नहीं बोल सकती। अब मैंने इसी वजह से मैं कॉम्बो में खरीदी थी, क्योंकि आप दो तीन महीने अगर आप यूज करोगे वो प्रोडक्ट, अब तभी जाके आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा ये सच में वर्क करता है कि नहीं। तो मैं ये बोल रही हूँ हर प्रोडक्ट को आप दो दो खरीद के यूज करो, पहले एक बोतल खत्म हो गया दूसरा वाला बोतल लेके आओ, बोतल लेके आके उसे यूज करो, अगर उसे यूज करो अगर आपको अच्छा सा वर्क कर रहा है, अपने बालों भी अच्छा सा वर्क कर रहा है, डेफिनेटली आप ये वाला प्रोडक्ट जरूर ट्राई कर सकते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। ये तो आज के लिए मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो के साथ, ये प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।